हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट खोया, या फिर कह सकते हैं मावा। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, 2 से 3 मिनट में इसे हम तैयार करेंगे मिल्क पाउडर से। और अगर आप ये खोया नहीं तैयार करना चाहते हैं, या आपके यहाँ पे मिल्क पाउडर नहीं मिलता है, तो आप दूध से भी मावा बना सकते हैं। उसकी रेसिपी आप को मेरे चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूध से मावा बनाया जाता है। तो इसे बनाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नेस्ले एवरीडे का लिया है। 1/2 कप दूध, 1/4 कप देसी घी, हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गैस ऑन करके उस पर एक नॉनस्टिक पैन रखेंगे। कोशिश करिए नॉनस्टिक ही रखें, क्योंकि जो दूसरे पैन होते हैं उसमें मिल्क पाउडर चिपक जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे दूध। गैस को मैंने लो और मीडियम के बीच में रखा है। घी ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे इसे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ सारा नहीं करेंगे। इसे चला देंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से दबाते हुए हमें इसे मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने सारा डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें गाढ़ा करना है, बिल्कुल, जब तक कि ये एक डो की तरह ना बन जाए, इकट्ठा ना हो जाए। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपक सकता है नीचे। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, तो इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर हल्का हल्का गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हमें इसे लगातार चलाना है, बीच में छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे और ये नीचे लग सकता है। तो इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा, हमें इसे तेज़ी से चलाना है, और गैस को मैंने लो और मीडियम के बीच में ही रखा है। ये देखिए, हमारा मिक्सचर पहले से गाढ़ा हो गया है। अब इसे हमें और तेज़ी से चलाना है, क्योंकि इसमें लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इसे और तेज़ी से मैश करते हुए चलाना है। अगर लम्प्स बन जाते हैं तो उन्हें मैश कर दीजिए, और इसे और तेज़ी से चलाइए लगातार। ये देखिए, हमारा मावा बनना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पर अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल इकट्ठा ना हो जाए डो की तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, मावा ने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल इकट्ठा होता जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल लम्प की तरह बन गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा करके। ये देखिए, हमारा मावा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई से नहीं लग रहा, जैसे जैसे हम इसे घुमाएंगे साथ में घूमता जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, हमारा मावा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं।
ये देखिए हमारा इंस्टेंट मावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया मावा तैयार हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल बाज़ार से भी बढ़िया मावा है ये। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बहुत ही अच्छा मावा तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।